loves! My name is Mayuri Pandey and welcome to my new video. Is it love or attraction? बहुत confusion होता है ना, खुद की feelings नहीं समझ पाते हैं. सब कहते हैं कि attraction is about appearance and love is about soul. लेकिन जब प्यार हुआ होगा तो उनके किसी तो चीज़ से attract हुए होगे तुम, उनके personality से या behavior से या उनके किसी एक action से, और तब जाके तुमने उसे approach किया, उसे जाना, समझा, धीरे धीरे फीलिंग्स स्ट्रॉन्ग होने लगी और तुम्हें प्यार हो गया. लेकिन क्या सच में हुआ? विल सी इन दिस वीडियो. सो इफ यू वुड लाइक टू बी पार्ट ऑफ माई वाई टी फैम, यू कैन फॉलो दीज स्टेप्स. क्लिक हेयर टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकॉन, देन यू विल नेवर मिस माई न्यू अपडेट. नंबर वन, जिनको सच में प्यार होता है ना, वो कभी प्यार की बातें नहीं करते हैं. मतलब जो लोग इस स्टेज में होते हैं, जो अट्रैक्शन को लव समझ रहे होते हैं, वो ज़बरदस्ती इश्क मोहब्बत की बात करते हैं, अपने रिलेशनशिप को जस्टिफाई करने के लिए या अपने आप को तसल्ली देने के लिए. आई डोंट नो व्हाई दे डू दिस, बट थिंग्स लाइक लव इज़ अबाउट सैक्रिफाइसेस, ट्रू लवर्स में एक डेडिकेशन होता है अपने पार्टनर के लिए. हाँ, होता है और होगा, लेकिन तब नहीं जब कोई कहे कि इफ़ यू आर ट्रू लवर डू दिस. मैन, ऐसी किसी पर्सन के साथ कभी भी रिलेशनशिप में मत रहो जो प्यार की कस्में खिलवाते हैं, लाइक तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते या तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकती. आई थिंक ये वीडियो सेल्फ रियलाइजेशन के लिए नहीं, उनके लिए भी है जो फेक लवर्स के साथ हैं. सो कीप वॉचिंग. नंबर टू, उसके साथ और उसके बिना कैसा फील होता है? अट्रैक्शन बिना जब उसके साथ होते हैं, उससे बात कर रहे होते हैं कॉल पे या टेक्स्ट पे, तो बहुत अच्छा फील होता है. मतलब ऐसा लगता है जैसे बादल पे पाँव हैं और बाकी टाइम नॉर्मल, कि हाँ कहा तो है सी यू लेटर, तो करूँगा बाद में बात या मिल लूँगी टाइप्स. लेकिन लव में एक रत्ती भर भी फ़र्क नहीं होता है उस मोमेंट में जब साथ हो और उस मोमेंट में जब साथ नहीं हो. इट फील्स सेम. कोई नहीं है आसपास, कुछ नहीं है, बात भी नहीं हो रही है, फिर भी ऐसा लगता है कि ही इज़ विथ मी और शी इज़ विथ मी. नंबर थ्री, ट्रस्ट. मैंने अपने एक वीडियो में कहा था कि इफ़ यू कैन ट्रस्ट हिम, डोंट लव हिम. क्योंकि लड़कियां यूजुअली शकी दिमाग की होती हैं और रिलेशनशिप हेल्दी हो ही नहीं सकता अगर मेरे पार्टनर को मुझ पर ट्रस्ट नहीं है. सो इट्स नॉट दैट कि वो डाउट करते हैं या चीज़ें कहते हैं, मायने ये रखता है कि आपके मन में क्या आता है, कैसे ख्याल आते हैं उनको लेकर जब वो किसी और से बात करते हैं या ऑनलाइन रहकर भी आपको रिप्लाई नहीं करते हैं, तो क्या होता है. मतलब क्योंकि ये जो ट्रस्ट इश्यूज है ना, ये सिर्फ अट्रैक्शन वाले रिलेशनशिप में होते हैं. रियल लव में ना, अगर वो इंसान मुझे धोखा भी दे दे तो भी मैं नफरत नहीं कर पाऊँगी उससे, माफ़ कर देगा मेरा दिल, उसको यही लगता है, तो फिर ये ट्रस्ट इश्यूज तो आते ही नहीं हैं. और हालांकि प्रैक्टिकली देखा जाए तो माफ़ नहीं करना चाहिए उनको जो चीट करते हैं, लेकिन और माफ़ कर भी दिया इसका मतलब ये नहीं कि आप रिलेशनशिप को कंटिन्यू करोगे और अभी भी उनके साथ वैसे ही रहोगे जैसे पहले थे. माफ़ करने का मतलब ये है कि उस इंसान को हार्म करने का, उस इंसान से रिवेंज लेने का मन में आपके एक भी बार नहीं आएगा. हाँ, उसने चीट किया, उसने गलत किया, लेकिन उसको माफ़ कर देने का मतलब उसके बाद क्या करना है, या तो आपको मूव ऑन करना है या तो उनके साथ कंटिन्यू करना है. और वो चीज़ आपका मन डिसाइड करेगा कि आप कैसा महसूस करते हो, कि आप अभी भी उनके लिए वैसी चीज़ें फ़ील करते हो जैसे पहले करते थे, या इस चीट वाले इंसिडेंट के बाद कुछ बदल गया. अगर कुछ बदल गया है तो उस बदलाव को एक्सेप्ट करना आप भी और वो भी, दैट्स लव. फोर्सफुली माफ़ कर दिया है मैंने तो अब मुझे पहले जैसे उनको प्यार करना है, ये चीज़ जहाँ पे होगी ना, वो ट्रू लव नहीं है. क्योंकि कुछ भी फोर्सफुली होता है वो प्यार नहीं है. जो नेचुरली हो, जो आपका मन जो आपको करने की गवाही दे, वही कीजिए, चाहे माफ़ करो या ना करो, इट्स अप टू यू. नंबर फोर, जब किसी से प्यार होता है तो उसको देखते ही स्टमक में बटरफ्लाईज उड़ने लगते हैं, बात करते ही एकदम एक्साइटेड हो जाते हैं हम, और ऐसा अट्रैक्शन वाले लव में होता है, ट्रू लव में नहीं. अट्रैक्शन वाला लव जहाँ बटरफ्लाईज देता है, वहाँ लव सुकून देता है. बात करके एक्साइटमेंट नहीं होती, सुकून मिल जाता है दिल को, दिमाग को एकदम. सो अट्रैक्शन में बटरफ्लाईज और लव में सुकून. नंबर फाइव, सब कहते हैं कि प्यार में नींद उड़ जाती है, सिर्फ प्यार में ही नहीं अट्रैक्शन में भी उड़ती है. पता है कैसे उड़ती है? वो पर्सन 24 घंटे हमारी सोच में है, और सोचते कहाँ से हैं? दिमाग से. तो जब दिमाग जागा हुआ है तो बॉडी कैसे सो पाएगी? और प्यार में भी नींद उड़ती है, लेकिन दोनों की वजह अलग अलग होती है.
प्यार में नींद फिक्र से उड़ती है, किसी के जिक्र से नहीं कि किसी का नाम सुना या ख्याल आया और जाग रहे हैं सारी रात। मतलब माँ रात को देर तक जागती है, अपने बेटे का इंतज़ार करती है सिर्फ उसको खाना गर्म करके देने के लिए, ताकि वो ठंडा ना खा ले या बिना खाए ना सो जाए फिक्र की वजह से। और ये फिक्र वाइफ को भी होती है, बॉयफ्रेंड को भी होती है, तो जो नींद फिक्र से उड़े वो प्यार वाली है। नंबर 6, चैट कॉल्स रात रात भर। और मैं ये नहीं कह रही कि जो लोग ऐसा करते हैं वो ट्रू लवर्स नहीं है, हो भी सकते हैं, लेकिन उनके भी तो स्कूल कॉलेज ऑफिस रहते होंगे ना नेक्स्ट डे। फिर भी सामने वाले के या अपने कंफर्ट को बारे में, कंफर्ट के बारे में सोचे बिना लगे हुए हैं बात करने में। भले अगली सुबह मुझे उल्टी हो, खाना ना डाइजेस्ट हो, ऑफिस में सो जाऊं या मैं लेक्चर मिस कर दूं, लेकिन अब भी मुझे ये चाहिए, तो ये जुनून है। लोग झूठ कहते हैं कि प्यार अंधा होता है। ट्रू लव इज़ मच मोर सेंसिबल देन द शिट पीपल कॉलिंग लव। अगर सच में प्यार करते हैं ना, तो कम से कम एक बार पूछेंगे कि तुम्हें नींद आ रही है क्या, तुम्हें सोना है, दिन में आराम किया था या नहीं, आज कितने बजे उठे थे, स्टफ लाइक दैट। इनफैक्ट दे विल फोर्स यू टू स्लीप, क्योंकि वही सही है। और ऐसा नहीं है कि मैं अच्छी बच्ची हूँ, मैं रात को 10 बजे सो जाती हूँ, नहीं मैं भी बहुत जागती हूँ, लेकिन मैं किसी को जगा के नहीं रखूँगी कभी भी। मतलब अब मेरा तो कॉलेज ख़त्म हो गया है, जॉब पे मुझे जाना नहीं है, मेरा तो जो भी है बस ये अपना यूट्यूब है, तो मैं चाहूँ तो सो जाऊँ अगले दिन, लेकिन फिर भी उनके कम्फर्ट का या किसी के कम्फर्ट का सोच कर चीज़ें करना, दैट्स लव। नंबर 7, अट्रैक्शन और इन्फैचुएशन कुछ वक्त के लिए ही रहता है, एक टाइम के बाद उसमें एफर्ट डालना पड़ता है उस, ताकि मैं अट्रैक्टेड रहूँ उस पर्सन के लिए, क्योंकि वो मेरा बॉयफ्रेंड है या मेरी गर्लफ्रेंड है। एफर्ट इन अ सेंस कि एक टाइम के बाद झुकाव कम हो जाता है, फिर भी हम कोशिश करते रहते हैं अपने रिलेशनशिप को पहले जैसा बनाने की, बिकॉज हम रिलेशनशिप में हैं और हमें लगता है कि स्पार्क ख़त्म हो गया रिलेशनशिप का, बट दैट्स नॉट। मतलब कुछ लोग का तो 6 महीने 1 साल में स्पार्क ख़त्म हो जाता है, और वो कोशिश करते रहते हैं कि वापस से चीज़ें पहले जैसी हो जाए, हम पहले जैसा मतलब एक दूसरे के लिए वही एक्साइटमेंट, वही लगाव हम महसूस करें करके। लेकिन ट्रू लव में ना इन कोशिशों की ज़रूरत ही नहीं है। गुजरते हर दिन के साथ हम और भी ज़्यादा अटैच्ड महसूस करते हैं उस पर्सन के लिए, लाइक है ये कैसा खुमार जो कम ना हो और बढ़ता जाए। माई फेवरेट सॉन्ग आदत। आदत का नहीं है ये, बट फेवरेट तो है मेरा, उसी के कुछ लाइन है। नंबर 8, लुक्स और अपेयरेंस मैटर करते हैं, चाहे वो अट्रैक्शन हो या ट्रू लव। बस फ़र्क इतना है कि अट्रैक्शन में आप ब्लाइंड नहीं हो जाते हो कि उसने कुछ भी पहना है वो अच्छा दिख रहा है या अच्छी दिख रही है, वहाँ पे आप एक सेंस के साथ उनको देखते हो कि हाँ तुम अच्छी तो लग रही हो, लेकिन ड्रेस का पैटर्न कुछ सूट नहीं कर रहा, या पोनीटेल करती तो ज़्यादा अच्छी लगती। लेकिन ट्रू लव उसमें ये सारे थॉट्स आते ही नहीं हैं, उसमें क्या पहना है, क्यों पहना है, कुछ नहीं आता दिमाग में, बस किसने पहना है वो मैटर करता है। और ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि आप उनसे प्यार करते हो और आप उन्हें जज नहीं करना चाहते हो, नहीं, ये चीज़ नेचुरली होती है कि वो जेन्युइनली इंसान आपको अच्छा लगता है, रिपीटेड क्लोथ्स में भी नए सा लगता है, उसका टायर्ड फेस भी आपको प्यारा सा लगता है, क्योंकि, और ये चीज़ आपको खुद नहीं रियलाइज़ होती है क्योंकि वो तो आपको खूबसूरत ही लग रहे हैं। और एक मेंटालिटी है कुछ लोगों की कि जो अच्छे दिखते हैं वो अच्छे इंसान नहीं होते हैं, वो दिल के ख़राब होते हैं, और जो अच्छे नहीं दिखते हैं उनका बिहेवियर अच्छा होता है, बट दैट्स नॉट ट्रू। इट्स नथिंग टू डू विथ योर लुक्स। आप चाहे अच्छे दिखो या नहीं दिखो, उसके साथ आपका बिहेवियर का कोई कनेक्शन नहीं है। आप दिल के कितने अच्छे हो ये आपको कोई किसी अच्छे तरह से जान ले तभी आपको बता सकते हैं। एंड प्यार होना नहीं होना इट्स नॉट अ चॉइस। अगर मैं ये सोच के किसी अगले इंसान को डेट करूँ कि या लाइक सोचूँ कि वो अच्छा नहीं दिखता तो क्या हुआ, बट वो दिल का अच्छा है, ये सोचकर अगर मैं एडजस्टमेंट करूँ, मैं उससे प्यार करूँ, तो वो प्यार नहीं होगा। जहाँ पे एडजस्टमेंट होते हैं वहाँ पे प्यार नहीं होता है। जहाँ आपको लगे कि मैं एडजस्ट कर रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा मतलब सैक्रिफाइसेस कर रहा हूँ इस रिलेशनशिप में, वहाँ पे प्यार नहीं है। क्योंकि जब आप जेन्युइनली प्यार में रहकर ये चीज़ें करते हो तो आपको कभी नहीं लगता कि मैं एडजस्ट कर रहा हूँ, वो बस आप ढल जाते हो। ढलना और एडजस्ट करना, इन दोनों में फ़र्क होता है। सो जो लोग गुड लुकिंग होते हैं वो हो सकता है एरोगेंट हो, इस वजह से वो लगे कि वो अच्छे नहीं है, लेकिन वो भी दिल के अच्छे होते हैं। और जो अच्छे नहीं भी दिखते हैं उनसे भी प्यार होता है बहुत लोगों को,
क्योंकि उनका दिल साफ होता है और प्यार होने के बाद वो उनको अच्छे दिखने लगते हैं क्योंकि वो उनका प्यार है. तो या नंबर 9, इफ़ यू आर इन लव विद द राइट गाय और गर्ल, लव वुडंट बी सो हार्ड. कभी कभी प्यार इसलिए भी बहुत डिफ़िकल्ट लगता है क्योंकि हमारा पार्टनर ही ट्रबल मेकर होता है, और जो इंसान आपको मुश्किलों में घेरे रखे वो कहाँ से सच्चा प्यार हुआ. जो कंप्लेंस करता रहे, ट्रस्ट और टाइम और पता नहीं किन किन चीज़ों को लेकर बहस करे, वो कैसे ट्रू लव हुआ. तो ये सारी चीज़ें चाहे हमारे खुद के अंदर हो या हमारे पार्टनर के अंदर, इनको आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है. सो बी अवेयर ऑफ दीज थिंग्स. और आई थिंक ये वीडियो थोड़ा लेंदी हो गया, लेकिन मुझे जो कुछ भी सही लगा, ज़रूरी लगी, जो जो चीज़ें, वो सब मैंने इसमें ऐड करी. एंड इफ़ यू वॉन्ट सेकेंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो, लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन. और अगर कोई भी बात आपको अच्छी लगी हो इसमें से, सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब, प्रेस दैट बेल आइकॉन टू गेट नोटिफिकेशन ऑन एवरी वेंसडे एंड सैटरडे. आई विल सी यू ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड टिकटॉक. लव यू ऑल. सफेद टीका. है कि मैं कहूँ जैसे गाऊंगी, अगर गाऊंगी तो गला खराब है, ये लाइन को हटा देती हूँ, नहीं गाती. क्या है ये कैसा खुमार जो कम ना हो और बढ़ता जाए.